हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपुस किचन। आज का रेसिपी प्रॉन्स फ्राइड राइस। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रॉन्स फ्राइड राइस बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। प्रॉन्स लिया 150 ग्राम, 2 एग लिया, 1.5 कप बॉयल राइस लिया, 3 चम्मच ऑयल यूज़ करूँगी, 1 चम्मच विनीगर, 1 चम्मच रेड चिली सॉस लूँगी और 1 चम्मच सोया सॉस, स्वाद अनुसार नमक। एक बड़ा ऑनियन को बारीक चॉप करके रखा, 12 लहसुन को लिया बारीक चॉप करके रखा, 2 इंच अदरक का ऐसे घिस के रखा। एक पैन गरम करने के लिए रख दिया, उसमें ऑयल ऐड कर देती हूँ। ऑयल गरम हो गया, दो लहसुन लिया बारीक चॉप करके ऐड कर दिया, हरा मिर्च भी ऐड कर दिया, जो ऑनियन बारीक चॉप करके रखा था वो भी ऐड कर दिया और अच्छी तरह से पहले चॉप कर लीजिए। लाइटली फ्राई हो गया, अब एक साइड में रख के जो अंडा लिया एक लिया उसमें नमक के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके साइड में ऐड कर दिया। एक को क्रम्बल कर लेती हूँ। क्रम्बली करके मसाला के साथ मिक्स करके साइड में रख लेती हूँ और जो प्रॉन्स लिया उसको भी ऐड कर देती हूँ। अब लाइटली फ्राई करूँगी 2 मिनट के लिए। प्रॉन्स को लाइटली फ्राई करने का अभी आधा चम्मच नमक ऐड कर देती हूँ। कर लेते हैं जो व्हाइट राइस पहले से करके रखा था वो ऐड कर देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बाकी चावल भी मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया। अभी जो सोया सॉस लिया वो 1 चम्मच ऐड कर दिया, चिली सॉस भी 1 चम्मच ऐड कर दिया और जो विनीगर लिया वो भी 1 चम्मच ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। चाइनीज भी हाई फ्लेम में करने का और बहुत जल्दी बन जाता है। मिक्स करके हो गया, इसे टॉस कर लेती हूँ। अकॉर्डिंग सॉल्ट, स्वाद अनुसार नमक और तीखा के लिए ब्लैक पेपर पाउडर। फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और आप एक बार टॉस कर लेती हूँ। करके रेडी हो गया, मैं बंद कर देती हूँ। प्रॉन्स फ्राइड राइस बन के रेडी हो गया, अब प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। रेस्टोरेंट जैसा स्वाद घर पे ऐसे बना के खाइए आप लोग, बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चे लोग को बहुत पसंद है। प्रॉन्स फ्राइड राइस बन के रेडी हो गया, बहुत स्वादिष्ट बना। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।